पांच राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पर बिहार की भी नजर है, क्योंकि दोनों स्थितियों में यहां की राजनीति प्रभावित होने वाली है। भाजपा और समाजवादी पार्टी की हार जीत से प्रदेश का राजनीतिक एजेंडा बदल सकता है। अभी राजद और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ रही है। विधान परिषद चुनाव में दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। भाजपा और जदयू खेमे में भी हलचल इसलिए है कि जदयू यूपी में स्वयं भी 26 सीटों पर मैदान में है। भाजपा के सहयोग से बिहार में मंत्री मुकेश सहनी का अस्तित्व भी दांव पर है, क्योंकि बिहार में सत्ता और भाजपा की महत्ता को नज़रअंदाज करके उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर वह चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के नतीजों का सबसे पहला असर उन्हीं पर पड़ सकता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की अगर वापसी हुई तो बिहार भाजपा का उत्साह जितना बढ़ेगा उतना ही विपक्षी खेमा हतोत्साहित भी हो सकता है। तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प खड़ा होने की कोशिशों को झटका लग सकता है। अभी हाल ही में उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से मिलकर भाजपा विरोधी विकल्प की बड़ी संभावनाओं को हवा दी है। यदि परिणाम उल्टा आता है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा बनती है तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकजुटता का श्री गणेश हो सकता है, और इसमें तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बिहार में कांग्रेस के लिए तब भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके नतीजे अच्छे नहीं आए थे, और इस बार प्रियंका गांधी जैसे बड़ा चेहरा उतारने के बाद भी कांग्रेस की नाकामयाबी का संदेश बिहार तक जरूर पहुंचेगा, जहां पहले से ही दोनों दल दो ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं। राजद में इसका भावार्थ यह भी निकाला जा सकता है कि कांग्रेस ने यूपी में भाजपा के आधार वोट में सेंध लगाकर अखिलेश की राह को आसान किया है। जाहिर है बिहार में कांग्रेस को राजद के नज़दीक आने का मौका तभी मिलेगा जब यूपी में योगी की वापसी होगी, तब दोनों दूसरे के महत्व को बेहतर समझ सकते हैं। बिहार सरकार में भाजपा के सहयोगी रहते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र की नीतियों को निशाने पर रखकर 55 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली विकासशील इंसान पार्टी की राह में मुश्किलों का अंबार लग सकता है। भाजपा की वापसी हुई तो मंत्री मुकेश सहनी का तुरंत हिसाब हो सकता है। मुकेश का विधान परिषद की सदस्यता की अवधि मई में खत्म होने जा रही है। वोट बैंक का ख्याल करते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ा जा सकता है। ऐसा हुआ तो उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा, किंतु अगर यूपी में भाजपा की राह दुर्गम हुई तो बिहार में मुकेश के लिए परिस्थिति बस बीच का कोई रास्ता निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।